मूवी की शुरुआत में हीरो को दिखाते हैं, वो कोट सूट पहनता है और एकदम परफेक्टली रेडी होकर अपना बैग हाथ में लिए घर से बाहर निकलता है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और उसका नाम है क्लाउडियो वेरोना। वो अपनी कार का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहाँ उसकी कार आती है, पर वो नोटिस करता है कि जो उसका रेगुलर ड्राइवर है वो नहीं है, कार कोई और चला रहा होता है। क्लाउडियो उसके बारे में पूछता है तो नया ड्राइवर कहता है कि सर उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए आज मैं कार चला रहा हूँ। तब क्लाउडियो कार में चढ़ जाता है और कार वहाँ से निकलती है। उस दिन क्लाउडियो की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, इसीलिए वो उस मीटिंग की फाइल्स देख रहा होता है। नया ड्राइवर क्लाउडियो से नॉन स्टॉप बकबक कर रहा होता है, जो कि क्लाउडियो को बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। इतने में ड्राइवर रेडियो ऑन करता है जिसमें एक न्यूज आ रही होती है कि एक 70 साल के बूढ़े ने एक छोटे बच्चे को काट लिया, पर क्लाउडियो न्यूज पे ध्यान नहीं देता और कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो और रेडियो ऑफ कर दो। तब ड्राइवर पूछता है कि सर क्या मुझे आपकी कंपनी में एक नौकरी मिल सकती है। क्लाउडियो गुस्से में कहता है कि तुम जो अभी काम कर रहे हो उसे ढंग से करो। क्लाउडियो का यही एटीट्यूड है कि वो अपने लिए काम करने वाले लोगों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ऑफिस पहुंचने पर वो कार से नीचे उतरता है और ऑफिस के अंदर जाता है। वहां एक लड़की जिसका नाम सिल्विया है वो उसे याद दिलाती है कि आज एक न्यूज चैनल में उसका इंटरव्यू है। उसकी बात को वो माइंड में रख लेता है और लिफ्ट के अंदर जाता है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, वो और कोई नहीं क्लाउडियो की एक्स लवर मार्टा है। क्लाउडियो की शादी 5 साल पहले ही हो चुकी थी, पर मार्टा का हाल ही में एंगेजमेंट हुआ होता है। क्लाउडियो उससे कहता है मुझे एक किस दो ना, ऐसा कहकर वो मार्टा को जबरदस्ती छेड़ने लगता है। गुस्से में मार्टा उसके मेन पॉइंट पे एक मुक्का मारती है और गाली देकर लिफ्ट से बाहर चली जाती है। क्लाउडियो का ऑफिस 10th फ्लोर पर होता है और वो वहीं जा रहा होता है, तभी उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना, ऑफिस पहुंच गए क्या। क्लाउडियो कहता है कि हाँ मैं ऑफिस की लिफ्ट पे हूँ, क्या बात है। उसकी वाइफ कहती है कि अभी मैंने न्यूज देखी, लगता है कि कोई दंगा फसाद या टेररिस्ट अटैक हो गया है, तुम प्लीज सेफ रहना। जब वो बात कर रहे होते हैं तो अचानक लिफ्ट रुक जाती है। उसकी वाइफ कहती है कि घर आते वक्त दूध ले आना। ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ, ऐसा कहकर क्लाउडियो कॉल कट कर देता है। फिर वो लिफ्ट ऑपरेटर को कॉन्टेक्ट करता है और उससे कहता है कि मैं लिफ्ट में 6th और 7th फ्लोर के बीच में फंस गया हूँ। लिफ्ट ऑपरेटर कहता है कि सर जरा टाइम तो दीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ। क्लाउडियो भी अपनी घड़ी देखता है और वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी मीटिंग का टाइम भी तो हो रहा होता है। इतने में लिफ्ट ऑपरेटर वापस आ जाता है और फोन पे पूछता है कि सर आप वहाँ हैं क्या। क्लाउडियो मजाक में कहता है कि नहीं मैं अभी बाहर जाके एक लाजवाब चाय पीकर आया हूँ। तो ऑपरेटर कहता है कि पावर यूनिट में छोटा सा प्रॉब्लम है सर, और मैं उसे ठीक करने के लिए अपने आदमी भेज रहा हूँ। तब क्लाउडियो उसे गुस्से में कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम 2 महीने पहले हुई थी, तुमसे एक लिफ्ट भी ठीक से मेंटेन नहीं किया जाता क्या। ऑपरेटर कहता है सॉरी सर मैं जल्दी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। क्लाउडियो उसे फिर वार्निंग देता है कि तुम्हें मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके अंदर लिफ्ट ठीक करके दिखाओ। फिर क्लाउडियो अपनी असिस्टेंट सारा को कॉल करता है और कहता है कि मैं लिफ्ट में जरा फंस गया हूँ, तुम क्लाइंट को सिर्फ 5 मिनट के लिए एंगेज करके रखो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। सारा भी मान जाती है और कहती है सर मैं सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लूंगी, लेकिन आप जल्दी आ जाइए। क्लाउडियो एक सिगरेट जलाता है और स्मोक लगता है, तभी वहाँ किसी के चलने की आवाज आती है। सुनकर क्लाउडिया लिफ्ट के दरवाजे के पास जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैं क्लाउडिया वेरेना हूँ, यहाँ लिफ्ट के अंदर फंस गया हूँ, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। पर वहाँ कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, तभी वहाँ किसी के चलने की आवाज आती है। तब सारा उसे कॉल करके कहती है कि सर क्लाइंट को और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते, आप जल्दी आ जाइए। क्लाउडियो उसे थोड़ी देर और मैनेज करने के लिए कहता है। फिर वो लिफ्ट ऑपरेटर को दोबारा फोन करता है और पूछता है कि इतनी देर क्या कर रहे हो तुम। ऑपरेटर कहता है सर मेरे आदमी अभी तक नहीं लौटे हैं, शायद अभी भी ऊपर चेक कर रहे हैं। तब क्लाउडियो कहता है कि ठीक है तुम मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा। फिर वो ऊपर चेक करने वाले आदमी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो आदमी कहता है कि पावर सप्लाई थोड़ा कम आ रही है, इसलिए लिफ्ट काम नहीं कर रही है। तो क्लाउडियो कहता है कि अभी 2 महीने पहले ही तो यही प्रॉब्लम थी, तब तुमने उसे जैसे ठीक किया था इस बार भी वैसा ही कर दो। वो आदमी जवाब देता है कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है, पर 2 महीने पहले यहाँ जनरेटर काम कर रहा था, पर अब वो काम ही नहीं कर रहा। तब अचानक उन लोगों पे कोई बुरी तरह से अटैक करता है और उनकी चीखने की आवाज क्लाउडिया फोन पे सुनता है, तभी कॉल भी कट हो जाता है। क्लाउडिया फिर से ऑपरेटर को कॉल करके गुस्सा करके कहता है अरे ये कैसा आदमी तुमने काम पे रखा हुआ है जो बात करते करते चिल्लाने लगता है और कॉल भी काट दिया। तभी ऑपरेटर कहता है कि सर मैं खुद आके लिफ्ट चेक करता हूँ, ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। क्लाउडिया अपनी घड़ी देखता है तो पता चलता है कि मीटिंग के लिए वो बहुत ही लेट हो गया है। वो खुद ही लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो खोल ही नहीं पाता। वो फिर से जोर लगाता है और किसी तरह लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है, पर वो बहुत कोशिश के बाद उस फ्लोर का दरवाजा भी नहीं खोल पाता। पर दरवाजा सिर्फ थोड़ा ही खुलता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ उसे
ब्लॉक कर रहा होता है। उस गैप से क्लाउडिया चिल्लाता है कि यहाँ कोई है, मैं क्लाउडिया वेरोना यहाँ लिफ्ट में फंस गया हूँ, मुझे बचाइए, कोई आकर मुझे यहाँ से निकालो। पर वहाँ कोई नहीं आता। यहाँ कोई अपना काम ठीक से नहीं करता क्या? इस तरह वो गुस्से में चिल्लाता रहता है। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर उससे होता ही नहीं। उस छोटे से गैप से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो भी पॉसिबल नहीं होता। वो कुछ देर सोच में पड़ जाता है कि यहाँ से निकले तो निकले कैसे। तभी उसकी वाइफ कॉल करती है और कहती है कि बहुत देर से कोई हमारे घर के दरवाजे पर पीट रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्लाउडिया पूछता है कि वे कौन है। उसकी वाइफ कहती है कि मैं बहुत देर से पूछ रही हूँ पर वे लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्लाउडिया उसे पुलिस को फोन करने के लिए कहता है पर वो कहती है कि मैं ऑलरेडी कई बार कर चुकी हूँ पर कनेक्ट ही नहीं हो रहा। वो बहुत डरी भी होती है और उसकी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। क्लाउडिया उससे कहता है कि तुम ऊपर बेडरूम में जाओ और वहाँ दरवाजा बंद कर दो। उसकी वाइफ बिल्कुल वैसा ही करती है और कहती है तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। क्लाउडिया कहता है कि मैं लिफ्ट में फंसा हूँ यार, मैं कैसे आऊँ, जैसे यहाँ से निकलूंगा सीधे घर ही आऊंगा। क्लाउडिया ऑलरेडी मुसीबत में फंसा हुआ था और ऊपर से एक और नई मुसीबत उसके दिमाग खा रही थी कि अब उसकी वाइफ प्रॉब्लम में फंस गई है। तभी क्लाउडिया अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि यार कोई पागल मेरे घर का दरवाजा बहुत देर से पीट रहा है, मेरी वाइफ अंदर बहुत डरी हुई है, तुम प्लीज वहाँ जाकर थोड़ा चेक करो ना कि क्या हो रहा है। उसका फ्रेंड कहता है कि यार मैं ऑलरेडी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ और यहाँ से निकलने के लिए कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे ही, मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे घर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। क्लाउडिया उसे थैंक करके कॉल कट कर देता है। इतने में उसकी मॉम फोन करती है और कहती है कि सारे शहर में टेररिस्ट अटैक हो गया है, तुम सेफ रहना। क्लाउडिया कहता है क्या टेररिस्ट अटैक, और वो भी पूरे शहर में, आप टीवी न्यूज को सच मानती हो क्या, ठीक है मैं बाद में फोन करूंगा, ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है और फिर से स्मोक करने लगता है। तभी कुछ लोग लिफ्ट के सामने से भाग रहे होते हैं और बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहे होते हैं। क्लाउडिया उन्हें देखकर चिल्लाता है कि यार पहले मुझे यहाँ से बचाओ। भागते हुए उन लोगों के बीच एक लड़की फिसलकर गिर जाती है और वो और कोई नहीं क्लाउडिया की एक्स लवर मार्टा ही होती है। वो क्लाउडिया से कहती है क्लाउडिया मुझे बचाओ। क्लाउडिया पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है। इतने में मार्टा को कोई वहाँ से खींच के लेके जाता है। क्लाउडिया रोकने की कोशिश करता है पर रोक ही नहीं पाता। वो मार्टा मार्टा चिल्लाता हुआ रह जाता है। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और चिल्लाता है कि आखिर इस बिल्डिंग में हो क्या रहा है। कुछ देर में उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और वो दरवाजे के पास जाकर देखता है। तब दो ज़ॉम्बी उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बी को देखकर तो क्लाउडियो बहुत ही घबरा जाता है। फिर कहीं और से आवाज आती है तो वो ज़ॉम्बी उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। क्लाउडियो डर के मारे फ्रीज होकर बैठ जाता है। जो आदमी इतनी पावरफुल वॉइस में अपने आप को क्लाउडियो वेरोना कह रहा था अब वो छोटे बच्चों की तरह बैठकर रोने लगता है। तभी उसका फ्रेंड कॉल करता है और कहता है कि यार मैं अभी भी ट्रैफिक में ही हूँ और तुम्हारे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। तो क्लाउडियो कहता है कि यहाँ सारे इंसान जानवर बन रहे हैं इसलिए तुम किसी सेफ जगह चले जाओ। और उसके फ्रेंड की समझ में तो आता ही नहीं कि ये कह क्या रहा है। तभी कुछ ज़ॉम्बी उसको अटैक करते हैं और उसकी आवाज सुनकर क्लाउडियो बेबस होकर रोने लगता है। तभी लिफ्ट का ऑपरेटर उससे बात करता है। क्लाउडियो जो पहले उस ऑपरेटर को बहुत बुरी तरीके से डांट रहा था अब उससे विनती करने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से किसी तरह बचाओ। तब ऑपरेटर कहता है कि सर पता नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है, मैं चेक करने के लिए ऊपर भी गया था पर मेरे आदमी तो वहाँ थे ही नहीं। तभी अचानक वो डर से भारी आवाज में कहता है कि सर मेरे रूम का दरवाजा तोड़ने की कोई कोशिश कर रहा है। क्लाउडिया उससे कहता है कि तुम वहाँ से किसी तरह बच निकलो, वहाँ पर मत रहना। तभी कुछ ज़ॉम्बी लिफ्ट ऑपरेटर को भी अटैक करने लगते हैं। ये आवाज सुनकर क्लाउडिया और भी घबरा जाता है। वहाँ से बाहर निकलने का उसका लास्ट चांस वो लिफ्ट ऑपरेटर ही था, अब वो भी ज़ॉम्बी के हाथों मारा जा चुका था। क्लाउडिया बहुत मायूस हो जाता है। इतने में उसे अपनी वाइफ की याद आती है और वहाँ का सिचुएशन जानने के लिए वो उसको कॉल करता है। कई रिंग्स के बाद जब वो फोन नहीं उठाती तो क्लाउडियो परेशान हो जाता है और बड़बड़ाता है कि प्लीज प्लीज फोन उठाओ, पर रिंग जाती रहती है और वो फोन नहीं उठाती। तभी वो मदद के लिए सारा को कॉल करता है पर सारा भी फोन नहीं उठाती। फिर वो लिफ्ट के गैप से बाहर देखता है कि शायद वहां पर कोई हेल्प के लिए मिल जाए। तभी उसे एक कॉल आता है, वो फोन उठाकर देखता है तो सारा उसे रिटर्न कॉल कर रही होती है। वो कॉल को अटेंड करने ही वाला होता है कि मार्टा उसे अटैक कर देती है क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। मार्टा को जोर से धक्का देकर वो पीछे चला जाता है और लिफ्ट के अंदर की एक रॉड उठाता है। फिर उस रॉड से मार्टा के मुंह पर मार मार कर उसको जान से मार डालता है। उसे बुरी तरह से अटैक करने के कारण मार्टा का खून क्लाउडियो के ऊपर गिर जाता है। क्लाउडियो अपनी बोतल में रखे पानी से अपना मुंह धोता है और हाथ धोने लगता है। उसे मार्टा का मुंह दिखाई नहीं देता इसलिए वो उसी रॉड से उसकी लाश को वहां से दूर कर देता है। फिर वो एक सिगरेट जलाने की कोशिश करता है पर उसका लाइटर काम ही नहीं करता, इससे वो और भी टेंशन में आ जाता है और लाइटर फेंक देता है। तभी लिफ्ट के अंदर मार्टा का खून बह रहा होता है। ये देखकर वो अपने बैग में कुछ ढूंढता है पर बैग में तो उसकी एक इम्पोर्टेंट फाइल है। इस वक्त उस फाइल से ज्यादा इम्पोर्टेंट था मार्टा का खून पहुंचना, इसलिए वो उस फाइल को पकड़कर सारे पेपर से खून पहुंच डालता है। तभी वहाँ किसी की आहट आती है।
क्लाउडियो उस गैप से बाहर झांककर देखता है तो पता लगता है कि सिल्विया आ रही है। क्लाउडियो सिल्विया से मदद मांगता है और फिर वे दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर दोनों मिलकर भी उसे खोल नहीं पाते। तभी क्लाउडियो के हाथ से वो रॉड नीचे गिर जाता है और उस रॉड की आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी उनकी ओर आ रहे होते हैं, पर वे दोनों उस ज़ॉम्बी की आवाज को सुन लेते हैं। अपनी गलती के लिए क्लाउडियो सिल्विया से सॉरी कहता है और उसे लिफ्ट के अंदर लाने की कोशिश करता है, पर सिल्विया तो अंदर आ ही नहीं पाती और क्लाउडियो से सॉरी कहकर वहां से भाग जाती है। इतने में वो ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाता है और लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करता है। इतने में दिखाते हैं कि उस ज़ॉम्बी को कोई मारता है, फिर पता चलता है कि सिल्विया ने उसे मारा है और अब वो उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह से घायल करके उसे पूरी तरह से मार डालती है। एक्चुअली उसने गोल्फ स्टिक से उस ज़ॉम्बी को मारा होता है। बहुत जोर से पीटने की वजह से गोल्फ स्टिक एक तरफ से बेंड हो गई होती है। यहाँ लाइफ में डेथ वाला सिचुएशन चल रहा होता है, पर सिल्विया कहती है कि ये स्टेफन सर की गोल्फ स्टिक है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने इसे डैमेज कर दिया है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर क्लाउडियो को थोड़ी हंसी आती है। क्लाउडियो का मूड थोड़ा लाइट होने लगता है। सिल्विया भी हंसने लगती है। दोनों की हंसी के बीच अचानक दो ज़ॉम्बी वहां आते हैं और सिल्विया को अटैक करते हैं। क्लाउडियो अपना रॉड जमीन पर मारते हुए चिल्लाता है कि यहां आओ, मेरे पास आओ, पर ज़ॉम्बी सिल्विया को वहां से खींच कर ले जाते हैं। ये देखकर क्लाउडियो की मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होने लगती है, क्योंकि वो जिसको भी हेल्प के लिए बुलाता है वो सब ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। पर वो अब हिम्मत करके अपनी वाइफ को फिर से कॉल करता है। इस बार भी बहुत देर तक उसकी वाइफ फोन नहीं उठाती। आखिर में वो फोन उठा देती है और क्लाउडियो से बात करती है। क्लाउडियो को बड़ी तसल्ली होती है कि उसकी वाइफ जिंदा है। वो कहता है कि यहाँ सभी लोग जानवर बन रहे हैं, तो उसकी वाइफ कहती है कि मैंने अभी टीवी चैनल्स पे लाइव देखा है, तभी कोई बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। क्लाउडियो कहता है तुम दरवाजे के पास जाओ और दरवाजे को पुश करने की कोशिश करो। उसकी वाइफ दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करती है और कहती है मुझसे नहीं होगा, लगता है कि यहाँ कई लोग आ चुके हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा कहकर वो रोने लगती है। क्लाउडियो बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है और उससे कहता है मैं तुमसे और क्या कहूं, कहकर वो भी रोने लगता है। इतने में वहां ज़ॉम्बीज बेडरूम के अंदर आते हैं और उसकी वाइफ को अटैक कर रहे होते हैं। दर्द के मारे वो चिल्ला रही होती है। उसके चीखने की आवाज क्लाउडियो को फोन पर सुनाई देती है और क्लाउडियो जोर जोर से रोने लगता है। अपनी वाइफ को खो देने के बाद क्लाउडियो बिल्कुल टूट जाता है और लिफ्ट के एक कोने में बैठ जाता है। तभी उसकी कंपनी का एक आदमी उस तरफ आता है। लिफ्ट के अंदर क्लाउडियो को देखकर वो कहता है कि सर आप यहां क्या कर रहे हैं, रुकिए मैं आपको भी बाहर निकालता हूं, ऐसा कहकर वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। क्लाउडियो घबराकर कहता है कि नहीं तुम यहां से चले जाओ, यहां जो भी मेरी मदद के लिए आ रहा है वो सब ज़ॉम्बी का शिकार हो रहे हैं। पर वो आदमी नहीं मानता और क्लाउडियो को बचाने के लिए दरवाजा पर जोर लगाता है। क्लाउडियो का डर सच हो जाता है। एक ज़ॉम्बी उस आदमी को अटैक करता है और उसे घसीट कर वहां से ले जाता है। क्लाउडियो मन ही मन सोचता है कि इस कंपनी के लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते यार। कुछ देर बाद एक ज़ॉम्बी को उस तरफ आते देखकर क्लाउडियो उसे आवाज देता है। तभी वहां तीन ज़ॉम्बी आ जाते हैं। उन्हें देखकर क्लाउडियो चिल्लाकर कहता है तुम लोगों को मेरी जान ही चाहिए ना, आओ अंदर आओ मेरी जान ले लो। फिर उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो रॉड निकालकर उन ज़ॉम्बी को जोर जोर से मारने लगता है। तब वहाँ एक लड़की की चीख सुनाई देती है। उसे सुनकर ज़ॉम्बी मुड़के उसे देखते हैं। क्लाउडियो देखता है कि वो लड़की सारा ही है। सारा के पीछे भी ज़ॉम्बी होते हैं और अब आगे भी ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। क्लाउडियो सारा को वहां से बचकर भाग जाने को कहता है। तभी सारा झट से वहां से एक रूम के अंदर चली जाती है और दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करती है, पर ज़ॉम्बीज उसे बंद नहीं करने देते। क्लाउडियो अपनी रॉड से ज़ॉम्बी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वे किसी तरह उस रूम के अंदर घुस जाते हैं और सारा को अटैक करते हैं। सारा को भी मरते हुए देखकर क्लाउडियो को लगता है कि अब कुछ भी करके कोई फायदा नहीं होने वाला और मायूस होकर सर पर हाथ रख के कोने में बैठ जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी वाइफ ने किसी जर्नलिस्ट को टीवी पर लाइव न्यूज देते देखा था। वो अपने फोन पर वही लाइव वीडियो सर्च कर रहा होता है और उसे देखने लगता है। तभी वहाँ पावर कट हो जाती है। उस न्यूज वीडियो में जो जर्नलिस्ट कह रही होती है कि इस तरह के इंसान जो जानवर बन गए हैं उनसे सावधान रहिए, अगर ऐसे इंसानों ने आपको काट लिया तो आप भी उन्हीं की तरह जानवर बन जाएंगे। तभी लिफ्ट के बाहर से दो ज़ॉम्बी क्लाउडियो को अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त क्लाउडियो देखता है कि लाइव वीडियो में भी उस जर्नलिस्ट को कुछ ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक लिफ्ट के बाहर खड़े ज़ॉम्बी को कोई गोली से उड़ा देता है। क्लाउडियो बाहर झांककर देखता है तो देखता है कि वहां एक पुलिस वाला आया है। वो क्लाउडियो की मदद करने आता है और पूछता है कि जनरेटर कहाँ है। क्लाउडियो जवाब देता है कि वो ऊपर टेरेस पर है पर ठीक से काम नहीं करता। तो पुलिस वाला कहता है कि मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तुम ये वॉकी टॉकी रखो और मुझे जनरेटर तक पहुँचाने का रास्ता बताओ और ये गन भी अपने पास रखो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है, ऐसा कहकर वो गन चलाने का तरीका भी बताता है। फिर वो अपना नाम बताता है जो कि सैम है। क्लाउडियो भी अपना इंट्रोडक्शन कराता है और इसके बाद वो जनरेटर की ओर जाता है। क्लाउडियो उसको डायरेक्ट कर रहा होता है आप स्ट्रेट जाकर लेफ्ट में मुड़ जाइए, वहाँ स्टेप्स लेकर ऊपर जा सकते हैं। सैम उसकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होता है। फिर क्लाउडियो बताता है
है कि लिफ्ट ठीक करने के लिए कुछ आदमी वहीं गए थे, पर लगता है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है और वे वहाँ फंस गए हैं। आप प्लीज ध्यान से जाइए। सैम क्लाउडियो की बात सुनता हुआ जा रहा होता है और बीच बीच में ज़ॉम्बी से भी बचता हुआ जा रहा है। तभी क्लाउडियो टॉर्च चलाकर देखता है कि आखिरी लिफ्ट का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है। वहाँ दरवाजे के बीच कुछ अटका हुआ होता है। वो सैम को ये बात बताता है, फिर वो उस चीज को निकालने की कोशिश करता है पर वो बहुत ऊपर होता है और क्लाउडियो उस तक पहुँच नहीं पाता। वो किसी तरह हाथ से उसे निकालने की कोशिश में लगा होता है। तभी वहाँ दो ज़ॉम्बी आकर उसे अटैक करते हैं। क्लाउडियो सैम की गन से उन दोनों ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। तभी सैम कुछ ज़ॉम्बी के बीच फंस जाता है और क्लाउडियो को उसकी चीख सुनाई देती है। इसके साथ सिग्नल भी कट हो जाता है। अब क्लाउडियो के पास उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं होती। तभी पावर वापस आ जाती है। कुछ देर में रात हो जाती है। क्लाउडियो को इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो खुद को गोली मारने वाला होता है, पर कुछ ही सेकंड्स में वो अपनी सोच बदल देता है। फिर वो लिफ्ट के बाहर रेंगते हुए ज़ॉम्बीज पर अपनी गन को एम करता है। तभी ऊपर से किसी की आवाज आती है। वो सैम की ही आवाज होती है जो ज़ॉम्बी से बचकर आ गया होता है। वो क्लाउडियो से लिफ्ट के ऊपर का दरवाजा खोलने को कहता है। क्लाउडियो रॉड से दरवाजा खोल देता है। फिर सैम नीचे आ जाता है और वहाँ खड़े ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। सैम बताने लगता है कि ऊपर उसके साथ क्या क्या हुआ था। मैं जब सीढ़ियों से ऊपर गया तो वहाँ कई ज़ॉम्बी थे, उनसे बचकर निकलना मेरे बहुत मुश्किल था। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तभी क्लाउडियो देखता है कि सैम के पैर पर किसी ज़ॉम्बी ने काटा है। सैम अपनी गन क्लाउडियो को देता है और कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि मैं भी ज़ॉम्बी बन रहा हूँ, तुम प्लीज मुझे शूट कर दो। पर क्लाउडियो कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैं अपने आप को शूट कर दूंगा। ऐसा कहकर सैम शूट करने ही वाला होता है, पर क्लाउडियो उसको वैसा करने नहीं देता। तब अचानक सैम क्लाउडियो के मुंह पर कस के पंच करता है और कहता है कि जब मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा तब खुद ही मुझे मार देना। दोनों यूं ही बातें कर रहे होते हैं पर सैम धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा होता है। क्लाउडियो से पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। अब सैम पूरा ज़ॉम्बी बन गया है और क्लाउडियो को काटने की कोशिश करता है। तब क्लाउडियो गन उठाता है और सैम को शूट कर देता है। लिफ्ट के बाहर दो ज़ॉम्बी होते हैं जिन्हें वो बड़ी गन से शूट करने लगता है। फिर उस गन का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उसके झटके से क्लाउडियो पीछे की ओर आ जाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ एक रॉड से टकरा कर बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और वहाँ गन शॉट्स की आवाजें आ रही होती हैं। मिलिट्री ने उस बिल्डिंग के कई सारे ज़ॉम्बी को क्लियर कर दिया होता है। गन शॉट्स की आवाज सुनकर क्लाउडियो जाग जाता है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करता है और पूछता है कि कौन है। उसकी वाइफ ही कॉल कर रही होती है। क्लाउडियो ने इतनी खुशी पहले कभी नहीं फील की थी। वो खुशी के मारे थैंक गॉड कहकर बड़बड़ा रहा होता है। तभी उसकी वाइफ उसे इन्फॉर्म करती है कि वो ज़ॉम्बी के बीच फंस गई थी पर किसी तरह बचकर घर से बाहर निकल गई थी, फिर कुछ सोल्जर्स ने उसको बचा लिया था। उनकी बातों के बीच ही क्लाउडियो के फोन का चार्ज खत्म हो जाता है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर भी क्लाउडियो बहुत खुश होता है। फिर वो रॉड से उस चीज को निकालने की कोशिश करता है जो लिफ्ट के दरवाजे को खुलने से ब्लॉक कर रही थी। अब वो सैम की लाश को देखकर सॉरी बोलता है और उसको नीचे लेटाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब वो ऊपर तक पहुंच पाता है और दरवाजे को ब्लॉक करते हुए उस चीज को निकाल फेंकता है। अब दरवाजा खुल जाता है और क्लाउडियो बाहर निकल जाता है। वो अपना कोट पहनकर बाहर जाता है। वो देखता है कि पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बी मरे पड़े हैं। बिल्डिंग से बाहर आने पर वो देखता है कि हर तरफ ज़ॉम्बी मरे पड़े हैं। फिर देखता है कि वो एक ब्रिज पर चल रहा है। वहाँ एक लड़की के पास दूध की बोतल देखकर उसे याद आता है कि हाँ, मेरी बीवी ने तो कहा था कि दूध लेकर आना। क्लाउडियो उसे दूध की बोतल ले लेता है। इतने में वो लड़की उठती है और कहती है कि तूने मेरी दूध की बोतल क्यों लिया। तब हमें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी लड़की अभी भी जिंदा है। वो क्लाउडियो को काटने को आती है। इतने में पास की बिल्डिंग से कुछ सोल्जर्स उस ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। तब क्लाउडियो अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं इंसान हूँ, मुझे शूट मत करना। अब पूरा शहर मिलिट्री के कंट्रोल में आ जाता है और वहाँ एक भी ज़ॉम्बी जिंदा नहीं होता। सभी ज़ॉम्बी को मिलिट्री ने मार दिया होता है। अब हमें दिखाते हैं कि वहाँ एक भी ज़ॉम्बी जिंदा नहीं है और सिटी पूरी तरह से सेफ हो चुकी है। इस मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।